प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और कैसे उसने अपने व्यापारिक विस्तार के साथ साथ भारत की राजनीतिक सत्ता में अपना हस्तक्षेप आरंभ किया और धीरे धीरे कैसे उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया और फिर कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए किस तरह 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट और फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके बाद आने वाले तीन चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट जो ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए, ये चार्टर एक्ट 20-20 वर्ष के लिए थे। सबसे पहला चार्टर एक्ट जो है वो 1813 में आया। इस चार्टर एक्ट में दो मुख्य बातें थी। पहली बात तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार मिला हुआ था वो खत्म कर दिया गया और अब अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। ये एक समझने वाली बात है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी और अधिकारी यहाँ से एक बड़ा मुनाफा कमा करके ब्रिटेन जाते थे तो ब्रिटेन के शेष व्यापारियों में और शेष जो वहाँ के कैपिटलिस्ट थे उनमें ये ललक उठी कि वह भी भारत के साथ व्यापार करें और उन्होंने सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डालना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि संसद ने चार्टर एक्ट बनाया और इस चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार महारानी विक्टोरिया के समय दिया गया, एलिजाबेथ के समय जो दिया गया था, उस व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी अब भारत के साथ व्यापार की अनुमति मिली। इसके साथ साथ ही इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसके जरिए अब जो अंग्रेज और यूरोपीय जातियाँ थी, जो क्रिश्चियनिटी थी, वो धर्म के मामले में भी अब भारत में हस्तक्षेप करने जा रही थी, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को भी अब निशाना बनाने जा रही थी। जैसा मैंने बताया कि ये जो चार्टर एक्ट थे ये 20 वर्षों के लिए थे। उसके बाद 1833 में एक अन्य चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी अब वो पूरे भारत का, वह केवल बंगाल का गवर्नर नहीं होगा, अब वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। आप हमेशा ध्यान रखें, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। जब आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। दूसरी बात ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो व्यापारिक अधिकार थे वो अब लगभग छीन लिए गए और अब उसका काम केवल भारत पर शासन करना रहा, यानी उसके पास केवल रेवेन्यू इकट्ठा करना, भारत में जहाँ जहाँ उसका अधिकार था वहाँ वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना और वहाँ का शासन चलाना ही कंपनी के हाथ में रहा। व्यापारिक अधिकार उससे छीन लिए गए। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हमने देखा था कि दो तरह के बोर्ड बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता था वह अब भारत मामलों से संबंधित मंत्री को बना दिया गया। मतलब आप इस स्ट्रक्चर को इस रूप में समझें कि हमने पहले रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि भारत सचिव नामक एक पद सृजित किया गया था भारत संबंधी मामलों को देखने के लिए। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी
अमेरिका जिसकी ताकत जब बढ़ने लगी तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और भारत से संबंधित मामलों को देखने के लिए, क्योंकि अब राजनीतिक सत्ता भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी, तो उन राजनीतिक मामलों को देखने के लिए जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें भारत मामलों से संबंधित एक मंत्री होता था, उस मंत्री को अब कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके ये एक्ट भी जो है वो 20 वर्षों के लिए आया। उसके बाद 1853 में पुनः एक चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट की मुख्य बात ये थी, भारत के प्रशासन के संबंध में कंपनियों को जो शक्तियां दी गई थी वो इस एक्ट के द्वारा कम कर दी गई और भारत के लिए एक पृथक विधायी परिषद की स्थापना की गई। यानी आप ये समझ सकते हैं, विधायी परिषद का मतलब है लेजिस्लेचर, यानी एक पार्लियामेंट, कानून बनाने वाली एक संस्था। तो ये पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में भारत के लिए एक लेजिस्लेचर या एक विधायी परिषद की स्थापना की गई। इस विधायी परिषद में यानी कानून बनाने की जो संस्था स्थापित की गई, लेजिस्लेचर जो स्थापित की गई, उसमें कुल 12 सदस्य होने थे। ये 12 सदस्य कौन कौन थे? एक तो गवर्नर जनरल, दूसरा मुख्य सेनापति, तीसरा गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य, जो पिछली बार हमने बात की थी कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव होती थी और उसमें 4 सदस्य थे, तो वो 4 सदस्य, तो ये हो गए 6। इसके अलावा 6 अतिरिक्त सदस्य जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते थे वह इस लेजिस्लेचर के सदस्य होते थे। इस प्रकार 1853 के एक्ट में जो है पृथक से विधायी परिषद की स्थापना की गई और इस विधायी परिषद में 12 सदस्य रखे गए, गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 अतिरिक्त सदस्य। इसके बाद अगर हम देखें तो आप सब जानते हैं कि घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता है। 1857 में जो है वो 1857 में भारत का जिसे पहला मुक्ति संग्राम कहा जाता है वो होता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक पहली लड़ाई भारतीय लड़ते हैं, जिसमें किसान, मजदूर, सामंत, जमींदार, देशी राजा, नवाब, ये सब और भारतीय सैनिक, ये सब मिलकर के इन्होंने 1857 का संग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में किया और इसका एक बड़ा प्रभाव जो है पड़ा। और उसके बाद जो कानून और जो नियम हुए, जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।